दोस्तों, हमारे नए चैनल सीखो सरल हारमोनी में आपका फिर से स्वागत है। और इस नए चैनल पर भी आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है। जल्दी ही चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। तो आज आपकी फरमाइश पर जो गाना सीखने जा रहे हैं, ये मैं आपको पियानो पर भी सिखा चुका हूँ, यानी कि सीखो सरल पर भी ये गाना सिखा चुका हूँ। और हारमोनियम पर भी इस गाने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, बल्कि एनिमल के लगभग सभी गानों की रिक्वेस्ट हारमोनियम पर भी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि कितने गानों की रिक्वेस्ट पूरी हो पाती है। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं बॉबी देओल की एंट्री सॉन्ग से, जो कि इस वक्त बहुत छाया हुआ है। जहां देखो यही गाना बजता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका जो म्यूजिक पार्ट है वो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो चलिए सीखा जाए इसे भी बहुत ही सरलता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सीखो सरल हारमोनियम। चलिए शुरू करा जाए। तो ये हम सीख रहे हैं इस तीसरी वाइट की को सा मानकर, यानी कि पहली काली, दूसरी काली और दूसरी काली के जस्ट आगे वाली जो वाइट की है, सफ़ेद की है, इसको हम सा मानकर सीखेंगे। तो ये जो ई नोट है, ये हमारा सा होगा, इसको सा मानकर हम इस गाने को, इस म्यूजिक को सीखेंगे। ठीक है, तो स्केल जो है हमारा वो है ई माइनर। ठीक है, ई जी बी, ई माइनर, ई माइनर है। इसका मतलब जो गा हमारा है वो कोमल इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये सा है, ये हमारा कोमल गा हुआ और ये हमारा पा हुआ, तो सा गा पा, सा गा पा, ये हमारा कॉर्ड लग गया। और कॉर्ड कौन सा है, ये ई माइनर। तो गाना शुरुआत होता है म्यूजिक से, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उसी को हम पहले सीखेंगे। तो म्यूजिक हमारा शुरू होता है पा से। ये सा है, ये कोमल गा, ये पा, यहां से हमारा म्यूजिक जो है वो शुरू होगा। गाना भी यहीं से शुरू होगा और म्यूजिक भी यहीं से शुरू होगा। तो म्यूजिक की जो शुरुआत होती है वो है प प ग म म म, ये चीज क्या किया, प प ग म म म। तो इस तरह से प्ले होती है पहली लाइन। ठीक है, और इसके बाद पा 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 गा मा, ये चीज पा 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 गा मा, यानी कि चार बार पा फिर गा फिर मा, पा 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 गा मा। ठीक है, तो एक बार पूरी लाइन देखिए कैसे प्ले होगी, पा पा गा मा मा मा, पा 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 गा मा, देखिए। और इसको हम सिंगल फिंगर से देखेंगे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। धड़ाधड़ जब आपके लाइक दिखते हैं ना, तो मेहनत सफल हो जाती है, तो इसलिए देखते देखते लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही लाइन रिपीट होगी, यानी कि अब जो नेक्स्ट लाइन है वो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही प्ले होगी, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर ये है कि जो पहला स्वर है पा, वो एक एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा आया है तो उसको थोड़ा बजाने की जो टाइमिंग होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, बस बाकी कुछ नहीं है। अगर आप सेम भी बजा देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि गाने में जिस तरह से बजाए, जो सेकंड लाइन आती है वो उसमें थोड़ी सी अलग हरकत है। वो कैसे है पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। कुछ समझ में आया, कुछ पता नहीं चला होगा क्योंकि बहुत मामूली से अंतर था, एक्स्ट्रा पा ले लिया हमने और कुछ नहीं। अगर आप सेम टू सेम वैसे भी बजाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट बजाना चाहते हैं बिल्कुल गाने के हिसाब से, जैसे कि गाने में प्ले हुई है दूसरी लाइन, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि पा हमने एक्स्ट्रा जो लगाया है उसको कैसे बजाना है। देखिए, जो एक्स्ट्रा पा लिया हमने वो कैसे लेना है, बस। ठीक है, पहले हमने दो पा लिए थे तो ये स्टार्टिंग की थी, अब हमने तीन पा लिए हैं तो बस, ये अंतर है। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी लाइन सेम टू सेम वैसे ही बजेगी, बस स्टार्टिंग में जो अंतर था ये मैंने आपको बता दिया। अब जो अगली लाइन है ये अलग है, और किस तरह से, पहले मैं आपको आकार में बता रहा हूँ सुरों के साथ, सा सा गा रे सा मा 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 गा रे सा नी सा, इस तरह से। ठीक है, तो सा से प्ले होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सा सा गा रे सा, पहले ये देखिए। ठीक, अब इसके बाद मा मा मा, अब लास्ट में गारे सा नीसा। तो इस तरह से पूरी लाइन प्ले होती है, तीन टुकड़ों में समझिए। सबसे पहले सा सा गारे सा, फिर मा मा मा, और लास्ट में गारे सा नीसा।
इस तरह से। अब पूरी लाइन को सिंगल फिंगर से कंटिन्यू बजता हुआ देखिए। ठीक, अब इसके बाद जो लाइन है वो भी सेम ऐसे ही है, सेम टू सेम ऐसे ही प्ले होगी। ठीक है, कॉर्ड लगा देंगे ई माइनर। तो म्यूजिक पार्ट आपका यहां पर खत्म हो गया। अब आती है गाने की बारी। अब गाना जो इसका है वो बहुत ही सरल है, क्योंकि गानों की लाइनों में जो म्यूजिक वाले सुर हैं वही सुर गाने की लाइनों में लगे हुए हैं, यानी कि सेम नोटेशन है। अब चूंकि ये भाषा मुझे नहीं आती है तो इसलिए ये गाने की लाइन ना तो मैं गा के बता सकता हूँ और ना ही मैं गाने के जो बोल हैं उनको मैं बता सकता हूँ। हाँ, स्क्रीन पर आपको लिखे हुए दिखाई दे जाएंगे और उनके नीचे स्वर भी। अब जो गाने की पहली लाइन है वो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा और वही लाइन आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी नोटेशन के साथ। तो पहली लाइन किस तरह से देखिए, तो इस तरह से लाइन प्ले होती है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, जो बोल हैं वो भी लिखे होंगे और उनके नीचे जो स्वर लगे हैं वो भी दिखाई दे रहे होंगे। अब इसी प्रकार जो नेक्स्ट लाइन है, जो अगली लाइन आएगी वो भी सेम ऐसी प्ले होगी, लाइन के बोल चेंज हो जाएंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे लाइन के बोल चेंज हो गए होंगे, स्वर वही के वही होंगे। तो जो बोल हैं वो चेंज हो चुके हैं मगर जो नोटेशन है वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, धुन सेम है तो इसलिए बजेगी सेम बिल्कुल वैसे ही, यानी कि आपको वो रिपीट कर देनी है। देखिए, सेम टू सेम वही की वही है। अब ये दोनों लाइनें फिर से रिपीट होंगी, ये दोनों की दोनों लाइन जो अभी हमने सीखी है ये दोबारा रिपीट होंगी। सीखी क्या है, वही की वही कॉपी है जो हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लाइन आएगी ये अलग है, देखिए ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है बजाने में भी और सुनने में भी। अब इसके बाद जो लाइन आएगी वो भी सेम ऐसे ही है। अब इसके बाद आता है एक म्यूजिक पार्ट, बहुत ही प्यारा है। अब देखिए, पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब इसको देखिए लाइन किस तरह से, पहले देखिए आकार में बता रहा हूँ, सुरों के साथ सा पा मा ग सा मा ग रे, इस तरीके से क्या किया, सा पा मा ग फिर सा मा ग रे, इस तरह से। और यही एक बार फिर से रिपीट करेंगे। और रिपीट के बाद लास्ट में ये दो नोट लगा देंगे, नी सा, नी कौन सा, नी कोमल है, नी सा, इस तरह से। तो एक बार ये पूरी लाइन सिंगल फिंगर से देखिए। कॉर्ड लगा दिए ई माइनर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सीखना है और बहुत ही सुंदर म्यूजिक है ये, अच्छे से इसको तैयार करना। अब जो अंतरे का भाग है इसकी लाइनें भी सेम टू सेम वैसे ही हैं जैसे कि हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गा नहीं पाऊंगा, बस मैं बजा रहा हूं और आपको स्क्रीन पर दिखती जाएंगी लाइनें। ठीक, हाँ, आकार में जरूर आपको बता दूंगा कि आकार में किस तरह से है। ठीक है, चलिए देखिए, पहली लाइन ला 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 ला, इस तरह से, बहुत ही सिंपल है। अब जो दूसरी लाइन है वो भी सेम ऐसे ही है। अब जो तीसरी लाइन है वो भी ऐसे ही है। अब जो चौथी लाइन है वो भी ऐसे ही है। अब पांचवी लाइन जो आएगी ये बहुत ही प्यारी लाइन है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। आप सोचेंगे कि मुझे लाइन समझ में नहीं आ रही, खूबसूरत कैसे कह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि शब्द ही खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत धुन भी होती है। ठीक है, तो धुन को महसूस करिए, बहुत ही खूबसूरत है, बजाने में भी आपको बहुत मजा आएगा और सुनने में भी आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, सुनिए पहले, और प्ले होगी ई नोट से यानी कि सा से। देखिए, तो लाइन इस तरीके से है, सा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा नी सा, इस तरीके से। देखिए, सा 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 मा 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 गा
गा गा गा रे, रे 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 सा, नी सा। तो कैसे प्ले करेंगे? ना खूबसूरत। अब इसके बाद जो लाइन आएगी वो भी सेम टू सेम यही लाइन है, बोल चेंज है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बोल चेंज हो गए, मगर स्वर जो है वो सेम टू सेम यही है। ठीक, तो जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसको भी आपको ऐसे ही प्ले करना है। ठीक है, तो अब आगे जितनी भी लाइनें आएंगी वो सब रिपीट लाइन ही आएंगी, तो जब भी रिपीट लाइन आए तो आपको वही लाइन बजा देनी है जो हमने सीख ली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को आपने प्रेम पूर्वक सरलता से समझा होगा। तो इसीलिए उम्मीद ये भी करता हूँ कि लाइक तो आपने पहले ही कर दिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।